आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आवर क्वेश्चन इज, अ कंपनी वाज मार्केटिंग जूसर्स विच वर वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। द कंपनी वाज अ लीडिंग कंपनी इन द मार्केट एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। बिकॉज ऑफ ह्यूज प्रॉफिट्स, द कंपनी इग्नोर्ड द आफ्टर सेल सर्विसेस। एज अ रिजल्ट, इट्स रिलेशंस विद द कस्टमर्स गॉट स्पॉइल्ड एंड द इमेज ऑफ द कंपनी in the public was damaged. Top management became concerned when the profits for the current quarter fell steeply. On analysis, it was revealed that ignoring the after-sale services was its reason. Therefore, the company took all possible measures to protect and promote its favorable image. As a result, the goodwill of the company improved in the society. Also, explain the role of the tool as identified in part 1. आपको इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जो कि जूसर्स की मार्केटिंग करती है, ठीक है, मतलब जो जूसर्स बेचती है उसके बारे में आपको बताया गया है और ये बहुत पॉपुलर है अपनी क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से, ठीक है। कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट इसी प्रॉफिट की वजह से कंपनी ने अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स खराब होते गए, कंपनी की इमेज जो थी वो डाउन होती गई और टॉप मैनेजमेंट जब इस चीज़ को लेके सीरियस हुए, जब वो कंसर्न हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनको पता चला कि जो प्रॉफिट्स हैं उनके वो कितने हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है। तो एनालाइजिस उनने किया, तब उनको पता चला कि जो उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज इग्नोर करी उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने वापस से प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए अपनी जो इमेज है उसको सही करने के लिए, और फिर क्या हुआ, कंपनी की गुडविल वापस से ठीक हो गई। तो आपको यहाँ पर रोल को एक्सप्लेन करना है, ये जो टूल यहाँ पे यूज़ किया गया है उसके आपको रोल को एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि यहाँ पर कौन सा टूल आपका यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका टूल यूज हुआ है वो है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस आपका यहाँ पे यूज हुआ है, जिसमें कंपनी जो अपने रिलेशंस हैं पब्लिक के साथ उसको क्या करती है, ठीक करती है, ठीक है। और उसको क्यों ठीक करती है, अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पब्लिक रिलेशंस अपने ठीक करती है। अब आपको इसके कुछ रोल बताने हैं, तो आपके क्या रोल्स हो जाएंगे, ये हेल्प करती है बिल्ड करने में, क्या बिल्ड करने में, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने में ये हेल्प करती है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो उसके बनते हैं, और ये एक कंपनी को स्मूथली फंक्शन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अगर पब्लिक रिलेशंस अच्छे होते हैं तो एक कंपनी स्मूथली फंक्शन कर सकती है। जो पब्लिक रहती है वो खुद ही से ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है उसकी तारीफ करके। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है टू बिल्ड कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कस्टमर देखेगा कि अरे ये हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर चाहेंगे कि हम इसी से प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोडक्ट का जो पॉजिटिव इमेज होता है वो भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी अगर अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज अच्छी बनती है। तो ये आपके कुछ रोल्स हैं जो कि पब्लिक रिलेशन के होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।